मैं चाहता हूँ कि सब समझे, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, याद रखो, दिमाग में ये बात रखो कि खुदा आपके साथ है। हर वक्त शुक्रिया अदा करो, हर वक्त। वो हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार बांटो, खुश रहो। थैंक्स टू गॉड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम है फावत। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। कैसा लगा? मुझे बहुत से मेरे व्यूअर्स बोलते हैं, फावत भाई अपना स्टाइल चेंज करो, थोड़ी एनर्जी लाओ, दूसरे रिएक्शन चैनल्स को देखो वो किस तरह करते हैं। तो मैंने बोला यार, मैं थोड़ा एक्सपीरियंसड हो गया हूँ, थोड़ा मेच्योर भी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा हिलना जुलना। ये मेरा स्टाइल है, अगर मुझे आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो जैसे कि मैं रिएक्शन देता हूँ, तो आप लोगों का भला होगा। मुझे चेंज करने की कोशिश ना करो, वरना मैं टूट के बिखर जाऊँगा। वैसे यार, ये सारे मुझे कमेंट कर रहे हैं रसोड़े में क्या है, ये है क्या? व्हाट द हेल इज़ रसोड़ा मीन एनीवेज? पहले एक विनोद ने परेशान किया हुआ था, अभी इतने मेरे पास कॉमेंट्स आए हैं रसोड़े में क्या है। आप लोग मुझे बताइए, है क्या रसोड़े में भाई, ये चीज़ क्या है? मैं भी जाके चेक करता हूँ। वैसे ये मीम्स और बहुत पॉपुलर हो रहा है, अगर ये अच्छा मीम है तो उस पर भी रिएक्ट करेंगे, देखते हैं। एनीवेज, एमयू बंडाई का नया सॉन्ग आया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि डिले हो गया। योम आशूरा था, योम आशूरा इस्लामिक साल का जो पहला महीना होता है उसका 10 तारीख को बोलते हैं, और बहुत अहमियत की हामिल हम लोगों के लिए, तो थोड़ी मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका था IPL पे, तो मैंने बोला थोड़ा गैप दे देते हैं। तो एमयू बंटाया का सॉन्ग है और मैं रिएक्ट ना करूं, ये हो नहीं सकता, बट डिले के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। तमीवे का सॉन्ग है थैंक्स टू गॉड, हो सकता है ये सेल्फ प्रमोशन का हो सकता है अपनी स्टोरी टेलिंग हो, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने सॉन्ग अभी तक नहीं सुना अपनी मसरूफियत की वजह से। तो बिना कोई टाइम जाए किए आइए ये सॉन्ग मिल के सुनते हैं, फिर साथ साथ उसके ऊपर रिएक्शन भी देते जाएंगे और बाद में उसके बारे में बात भी करेंगे। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. अब मैं अच्छा कर रहा था, अब्बा का काम हो रहा था ठप, पर वो नहीं हार मानेंगे, वो बदल के रहेंगे किस्मत। फिलहाल जो वक्त था वो काफी सख्त था, पैसा उड़ाने से पहले दे रहा हूँ सदका। मुझे रहना है स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना है सबका, पता भी नहीं चला अचानक से कैसे टपका, परेशानी छोड़ गया निशानी है। आज गाना नहीं सुनाने आया हूँ कहानी में, सुबह का वक्त था, अब्बा के सर में दर्द था, रात को सोने से पहले उनके दिल में डर था। मम्मी का कॉल आया सुबह, बोली वो जल्दी घर आ, मैं भाग के जाके देखा अब्बा का हालत बिगड़ता जा रहा था, अंदर का दर्द आज चेहरे पे दिखा रहा था, कहाँ पर लेके जाऊँ कुछ नहीं समझ आ रहा था। ऐसे तैसे करके ले गया उनको अस्पताल, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार, देखा नहीं था उनका ऐसा हाल, लेके गया उनको एम्बुलेंस में बैठ के, पहचान नहीं रहे थे अब्बा, मुझे देख के मैं देखता ही रह गया, काफी दिन से रोया नहीं था लेकिन उस दिन बह गया, मालिक पे तब भी भरोसा था, मैं उनसे कह गया मन ही मन में, मेरे अब्बा को लौटा दो, उनके सपने को पूरा करने को फिर से एक मौका दो, ठीक कैसे करूं मैं उन्हें रास्ता कोई बता दो, अब्बा को बचा दो। ऐसा लग रहा था अब्बा याददाश्त खो दिए, ICU में देख के उन्हें अम्मी भी रो दिए, पर हार नहीं माने हम, पता था वो लौटेंगे, बुरे ख्याल आ रहे थे लेकिन हम रोकेंगे चौकेंगे जब देखेंगे भगवान का करिश्मा। मैं टूट रहा था, मुझे लगने लगा सदमा, पर अन्नू बल्लू भाई सुमित मिंटा शबाना दीदी सब साथ थे, फैमिली वालों ने दिया साथ, बोले खुदा साथ है, साथ है खुदा मेरे साथ है, जिंदगी ऐसी चीज दिन कभी रात है, साथ है साथ है खुदा मेरे साथ है, जिंदगी ऐसी चीज दिन कभी रात है, साथ है साथ है खुदा मेरे साथ है, जिंदगी ऐसी चीज दिन कभी रात है, साथ है साथ है खुदा सबके साथ है, जिंदगी ऐसी चीज दिन कभी रात है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड इज ग्रेट, नो डाउट, ग्रेटेस्ट।
सबके बीच रहके भी अकेलापन सा महसूस था, स्ट्रेस बढ़ने लगा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर खोया नहीं मैंने खुद को, शैतान सोच में डालने की कोशिश में है, रुको जब झुको और माता देखो, खुदा के सामने मदद करेंगे तेरी वो खुदा के सामने, पर जो हुआ है उससे मैंने काफी कुछ सीखा है, खुश रहना सीख ले खुद से क्यों रूठा है, अंदर से टूटा है उतना मजबूत होगा जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं बोलना कि जिंदगी है मेरी गंदगी में, जो भी होता है सबके पीछे कुछ ना कुछ है वजह, दुखी था मैं 3 दिन लेकिन आज फिर से मजा आने लगा है, अब्बा पूरे ठीक हो गए, तेरी रजा है, तकलीफों से लड़के और आगे चला गया मैं, कल टूटा था लेकिन आज बिल्कुल नया मैं लौट आया हूँ तेरे पास कहा था चला गया मैं। ओ गूज़बम्प्स बन ब्लडी हेल, ओ एनीवे बंटा छा गया भाई छा गया, मैं जानता हूँ पब्लिक को सैड नहीं करने के लिए गाना बनाया, मैं ये गाना इसलिए बनाया बिकॉज भाई बोलता हूँ मोटिवेशन, समझे चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए परेशानी आ जाए, याद रखो दिमाग में ये बात रखो कि खुदा आपके साथ है, हर वक्त शुक्रिया अदा करो, हर वक्त वो हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, प्यार बांटो खुश रहो खुश रहो पीस। Thanks to God. Life is good. Sad. Peace out. Orre, bop re. What a song. Outstanding, brilliant, full time goosebumps. शुरू में जब song शुरू हुआ ना तो मुझे ऐसा लग रहा यार सेलो है, क्योंकि जो balancing थी ना wording की वो नहीं हो पा रही थी, फिर मतलब मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब वो अपने एक रिदम में आया ना एमी वे बनता है, सॉन्ग जो उठाया है, फिर जो स्टोरी टेलिंग शुरू हुई है अपने फादर के बारे में कि किस तरीके से उस मुश्किल लम्हे में अपने आप को संभाला, फैमिली ने संभाला, किस बात पे, जस्ट वन बिलीव, बिलीव इन द गॉड, अल्लाह पे बिलीव किया और यही कहा कि बस अल्लाह ठीक करने वाला है, मेरे जो फादर हैं वो वापस आएंगे, चाहे तकलीफ़ है, अब यह नहीं पता था क्या तकलीफ़ है, दिल का दौरा पड़ा है या कोई और अटैक हुआ है, लेकिन तकलीफ़ तो है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो इवन हॉस्पिटल्स में तो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं और बार बार जहन एक ही जगह जाता है कि व्हाट इफ़ के वो बंदा या बंदी मॉम या डैड या खाला मामी जो भी आपके रिलेटिव वहाँ पर हैं रहे ना रहें वो नहीं होंगे तो क्या होगा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप कभी कह नहीं पाते हो, कह नहीं सकते हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं लाइफ में, थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है, लेकिन फिर आप अपने आप को दोबारा रीड करते हो कि हाँ यार ये बात कह देनी चाहिए थी, अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं कह दूँगा, और अगर ऊपर वाले ने जान बचा दी इनकी तो मैं बेहतरीन तरीके से रहूँगा, अपने आप को चेंज कर दूँगा, तो तरह तरह की बातें आ रही होती हैं, बंदा अपने आप से बहुत सारे वादे भी करता है और कोशिश करता है कि जो चीज़ जा रही है आपसे छिन रही है उसको खींच के वापस ले आओ, तो एमी वे बंडा ने बहुत प्यारे तरीके से एक स्टोरी टेलिंग की है अपने फादर की, जिस तकलीफ़ में थे वो और जिस तकलीफ़ से वो बाहर आए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव इन द गॉड, और जो मिडिल में अल्हम्दुलिल्लाह All praises to Allah, Almighty God is great, He is the greatest. जबरदस्त पार्ट था ये, ऐसा मिडिल पार्ट था इस सॉन्ग का, वहाँ से मेरे बॉडी में गूज बम्स बनना शुरू हुए और एंड तक रहे, तो फुल टाइम एनर्जी के साथ फुल टाइम जोश के साथ लेकर आया ये सॉन्ग, और जो मुझे शुरू में टेक्निकलिटी लग रही थी कि हाँ मज़ा नहीं आएगा, भाई सब चीज़ धो दी इस भाई ने सॉन्ग के ज़रिए, तो सॉन्ग तो बहुत ही ज़बरदस्त निकाला है, मैं कहता हूँ एमी वे बंटा है कि जितने पिछले सॉन्ग्स हैं अगर आप हिप हॉप की डेफिनेशन जानते हो तो वो यही है, अपने बारे में बताना, स्टोरी टेलिंग करना, अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो हालात हैं उनके ऊपर बात करना, जिस मुश्किलों से बंदा नीचे से ऊपर तक आया है वो लोगों को बताना, तो ये सारा हिप हॉप है, तो ये हिप हॉप की बेहतरीन फॉर्म है एमी वे बंटा ने जो शौकत हमें दी है, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू एमी वे के ये सॉन्ग बनाया है, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग दैट वाज अमेजिंग आउटस्टैंडिंग एंड कंग्रेचुलेशंस टू एमी वे बंटा फॉर रीचिंग to the milestones of millions of subscribers and fans, very loyal fans actually, I am one of them.
यार ये क्या लॉयल्टी है, एंड में कर रहे हो रिएक्शन, सबने ही कर दिया ऑलरेडी रिएक्शन, चलो डजंट मैटर। एमी वे बंटा है को हम हमेशा से चाहते हैं और चाहते रहेंगे, और हमारी दुआ है कि वो इससे ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करें। दैट्स इट गाइस, अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।